नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की सियासत में महागठबंधन की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ आरजेडी के नेताओं के तरफ से लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू ने भी तेजस्वी यादव को अल्टीमेटम दे दिया है कि आप अपने नेताओं को संभाल कर रखे, उनकी बोली पर लगाम लगा ले, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन आरजेडी के नेता और बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह है कि मानने को तैयार नहीं हो रहे। एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शिकंजा कसते हुए बयानबाजी कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये अपनी सरकार मन मर्जी से चलाते हैं और ये कुछ भी कर ले, कुछ भी बोल ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे कार्रवाई से डर लगता है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बड़े ही जबरदस्त तरीके से सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश सरकार पर हमला बोला है। क्या कुछ बातचीत का वो अंश है, हम आपको सुनवाते हैं। दरअसल बिहार में रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री और आरजेडी विधायक चंद्रशेखर के बयान पर महागठबंधन के अंदर ही अंदर बयानबाजी का दौर तेज है। इसके पहले आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह के बयान पर राजनीति गरमाई हुई थी। सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। ये बिहार की राजनीति की बड़ी राजनीतिक घटना थी। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुद्दों पर चैलेंज देने लगे थे। अब सुधाकर सिंह को लग रहा है कि धर्म से जुड़े सवाल को उठाकर और उस पर राजनीति से मूल सवाल दब जा रहे हैं। सुधाकर सिंह से जब बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उनसे जो पहला सवाल पूछा गया कि आपने जो सवाल उठाया मंडी कानून का और किसानों से जुड़ा हुआ, जब आप कृषि मंत्री थे तब आपने इस्तीफा भी दिया, अब इस सवाल की जगह धर्म से जुड़ा सवाल गूंज रहा है, रामचरितमानस से जुड़ा सवाल है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, इस सवाल पर पार्टी की राय प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा दी जा चुकी है और पार्टी के भीतर इस मसले को लेकर दो राय जरूर दिख रही है, लेकिन पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद हम लोग नहीं बोलते हैं, इसका कोई औचित्य भी नहीं है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जिन संदर्भों में अपनी बात को है वो ऐतिहासिक रूप से पार्टी के समाजवादी आंदोलन के कई अवसर पर विमर्श का विषय रहा है, जिसके अलग अलग अर्थ पार्टी के भीतर या समाज में लाए जाते रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के कह देने के बाद मुझे अलग से राय रखने की जरूरत नहीं है। जब दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि आपको लगता है कि आरजेडी, कांग्रेस और माले का कोई नियंत्रण सरकार पर नहीं रह गया है, सरकार की अफसरशाही पर नहीं है, काम करने के तौर तरीकों पर नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया यह अनसुलझा सवाल है। इस संदर्भ में यह अनसुलझा सवाल है कि कई अवसर पर सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं के द्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग हुई है, ये नहीं होने से राजनीतिक प्रणाली को सही तरीके से चलाने में परेशानी है। तब उनसे तपाक से पूछा गया, इससे सरकार की छवि भी बाहर खराब हो रही है क्या? तो उन्होंने जवाब दिया, ये सवाल तो रहता ही है। परसेप्शन जो काम को लेकर बनना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं रहने से और डिस्कशन का प्लेटफॉर्म नहीं रहने से परेशानी है, लेकिन मुझे लगता है कि एक डेढ़ महीने में इस मसले को सुलझा लेना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन महागठबंधन के प्रमुख नेताओं की सहमति से होना है, जरूर वो इस पर विचार करेंगे। तब उनसे अगला सवाल पूछा गया कि खरमास खत्म हो चुका है, अब ये माना जा रहा है कि सुधाकर सिंह पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा संकेत तेजस्वी यादव भी दे चुके हैं, आप इसके लिए कितना तैयार है? तो उन्होंने जवाब में कहा कि जिन लोगों ने जिन संदर्भों में कार्रवाई की मांग की होगी, मैं उससे बिना विचलित हुए, बिना चिंता किए किसानों से जुड़ी समस्याओं को उठाने का काम करता हूं, आगे भी करता रहूंगा, सवाल पार्टी को चलाने के लिए शीर्ष निर्णय को स्वीकार करूंगा। सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है और एक तरीके से ये भी कहा है कि अब आरजेडी का नियंत्रण सरकार पर नहीं रह गया, क्योंकि ये सरकार मनमर्जी की सरकार है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बलबूते काम करते हैं, वो विचार विमर्श भी करना जरूरी नहीं समझते। इतना ही नहीं, जब उनसे ये पूछा गया कि विभिन्न नेताओं की तरफ से कार्रवाई की मांग की जा रही है, आपको लेकर खरमास का वक्त खत्म हो चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि आप पर जल्द ही गाज गिर सकती है, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी से ना तो डर लगता है और ना ही किसी कार्रवाई से मुझे फर्क पड़ता है। लालू यादव, तेजस्वी यादव जो कहेंगे मैं उनके निर्णय को स्वीकार कर लूंगा। अब देखना यह है कि सुधाकर सिंह पर क्या सचमुच गाज गिरती है या आरजेडी उन्हें बचाने में कामयाब हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।